अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, गोल 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 गप्पे देख के आप लोगों को सबको पता ही चल गया होगा आज हम आए हैं पानी पूरी की रेसिपी के साथ। चले देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। पहले हमने इसका पानी बनाया, तो पानी बनाने के लिए मैंने एक हैंडफुल ऑफ मिंट लिया है और हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लिया है। इसमें मैंने कुछ 4-5 मिर्ची डाली है। आप मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम ज़्यादा जो भी है, तो अकॉर्डिंगली आपको कितना तेज़ लगता है आप उसके हिसाब से डालिए। मैंने थोड़ा सा तुअर तीखा बनाया है, इसमें डाला है मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ पानी पूरी मसाला, रेडीमेड मसाला यूज़ किया है मैंने, एंड 1 टेबलस्पून ऑफ मैंगो पाउडर मैंने ऐड किया है। इसके बगैर मैंने ऐड किया है मैंगो पाउडर मीन्स आमचूर पाउडर। इसके बगैर मैंने सॉल्ट टू टेस्ट, अपने हसबे जायका से आप हिसाब से डालिए सॉल्ट, और मैंने इसमें निचोड़ा है ऑलमोस्ट 1.5 लेमन। तो ये सब मिक्स होने के बाद इसको मैंने अच्छा सा पेस्ट कर लिया है, मिक्सी को अच्छे से घुमा लिया है ताकि एक फाइन स्मूथ पेस्ट आपको मिले। और ये फाइन स्मूथ पेस्ट मिलने के बाद हमने इसको एक बड़े बोल में निकाला है, और बड़े बोल में ये पूरा पेस्ट निकालने के बाद इसमें वाटर ऐड किया है अराउंड 3 बिग ग्लासेस इसमें मैंने ऐड किया है। तो पानी की कंसिस्टेंसी एकदम बराबर रही है। अगर आप इस टाइम पे कुछ ऊपर नीचे करना चाहते हैं, जैसा आपको बैलेंस चाहिए पानी का उस हिसाब से डालिए। आपको नमक कम लग रहा है या थोड़ा तीखा ज़्यादा लग रहा है, यू कैन ऐड थोड़ा और नींबू या थोड़ा और मैंगो पाउडर आप ऐड कर सकते हैं एडजस्ट अपने हिसाब से। तो यहाँ मैंने बाज़ार की पानी पूरी ली है जो फ्राइड नहीं है, रेडीमेड पानी पूरी है। इसको हमने तेल गरम कर लिया और इसमें हमने पूरियाँ डाल दी है और इसको करेंगे हम फ्राई जब तक ये पूरी फूल जाए और पूरी क्रिस्पी हो जाएंगी। घर पे कैसे पानी पूरी बनाते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी एक अलग वीडियो बना के, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होता था अगर मैं पूरा आपको बताती थी पूरी कैसे बनती है, उसका आटा कैसा गूंदना है बेलना है। तो मैंने सोचा आज पूरा एक पानी पूरी का रेसिपी वीडियो बनाती हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको पूरी बताती हूँ इंशाल्लाह। तो ये देखिए फ्राई हो गई है, गोल्डन हो गई है। कोई एक आध पूरी होगी जो फ्राई नहीं होगा, देखो तेल में दिख रहा होगा एक पूरी कुछ फ्राई नहीं हुई है। कभी एक आध सिंगल ऐसा पूरी रहता है पूरे बॉक्स में जो फ्राई ऐसा फूलता नहीं है, अदरवाइज़ ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको क्विक चाहिए, कभी मन करता है खाने को, तो आप इजीली यू कैन बाय इट फ्रॉम द मार्केट एंड आप इसको फ्राई कर सकते हैं। इसको मैंने निकाल दिया है बाहर केयरफुली, और आप भी निकालिए। और दूसरा लॉट इसके साथ ही मैंने रेडी किए थे कुछ और 4-5 लॉट्स, क्योंकि पानी पूरी जब एक बार बनती है तो बच्चे तो टूट पड़ते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा बॉक्स फिनिश कर दिया था फ्राई करके, और हमारी पानी पूरी हो गई थी रेडी। ये देखिए इसके जो बॉल्स हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने कर दिया है, अब इसको कैसे सर्व करते हैं चलिए आपको दिखाते हैं। इस पानी पूरी के साथ ही मैंने कुछ और चीज़ें, क्योंकि पानी पूरी जो होती है आप इसको तभी एंजॉय करते हैं जब इसमें एक वैरायटी ऑफ थिंग्स पड़ते हैं। तो हमने तो पानी बना लिया, पूरी बना ली, इसके साथ मैंने कुछ और रखा था, दैट इज़ मैंने बॉयल्ड पोटैटोज़ रखे थे। नॉर्थ में ज़्यादा पोटैटोज़ यूज़ करते हैं। ये देखिए बॉयल्ड पोटैटोज और बॉयल्ड ब्लैक चना, इसको मैंने भिगा के सिर्फ बॉयल किया था दोनों को और कुछ नहीं। और खट्टी मीठी चटनी, अगर आपको ये खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे वीडियोज़ में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर डाल दूँगी, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। चलिए इसे असेंबल करते हैं। इसमें मैंने एक होल कर दिया है, इसमें डाला है मैंने थोड़े चने और थोड़ा सा आलू। आलू में थोड़ा सा जब आप बॉईल करके निकालेंगे थोड़ा नमक ज़रूर ऐड कीजिए ताकि टेस्ट बैलेंस हो जाए। और सेम चनों में भी ये डाला है मैंने खट्टी मीठी चटनी। इसके ऊपर डालेंगे हम अपना पानी पूरी का स्पेशल तेज़ पानी, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे को लगता है, बिकॉज आई रियली लाइक वो तेज़ वाला चटकारा फील। आई होप आपको भी अच्छा लगता होगा। ये हो गई है रेडी। चलिए इसको कैसे मैंने सर्व किया था अपने गेस्ट के लिए आपको दिखाते हैं। ये मैंने शॉट ग्लासेस में मीठा पानी और तेज़ पानी डाला था और अपने पूरी फिल किए थे और इसको सर्व किया था। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। डू गिव मी अ थम्स अप एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स जब आप बनाएं। Till then, thank you for watching, liking, sharing, commenting and subscribing. Goodbye.